हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना स्टूडेंट्स? हम लोग आज फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लासेस में है। आज हम लोग सीखेंगे मैथ। तो स्टूडेंट्स, मैथ में आज हम लोग क्या सीखेंगे? 11th चैप्टर, जिसमें लिखा है नंबर्स। तो आप पिक्चर्स देख पा रहे हो, पिक्चर्स में एक हार में टेन 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 करके टेन 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 किया हुआ है बीट से, ठीक है? तो देखो लिखा हुआ है अंडरस्टैंड और एक पिक्चर से जिसमें बहुत सारे बीट्स का पिक्चर्स दिया गया है, बहुत सारे बीट्स से। तो स्टूडेंट्स देखो, आप देखोगे तो देखोगे ये जो हार है, एक हार में टेन बीट्स है, ओके, और एक हार में टेन बीट्स है, और एक हार में टेन बीट्स है। आप काउंट करोगे आपका बुक्स में, आप देखोगे टेन टेन किया हुआ है। तो हम लोगों ने पहले ही, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो टेन लेकर वन टेंस बनता है, टेन लेकर वन टेंस बनता है। तो इसमें कितना टेन है? वन, मतलब आप काउंट करो, टेन टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी, फिफ्टी टोटल है। तो फिफ्टी मतलब कितना हुआ? फाइव टेंस, क्योंकि टेन टेंस मतलब टेन टेंस लेकर टेन लेकर वन टेंस बनता है। तो इसमें फिफ्टी है, फिफ्टी बीट्स है, तो फिफ्टी बीट्स मतलब फाइव टेंस। तो इसीलिए इसमें क्या लिखा हुआ है? फाइव टेंस। और वन कैसा है आया? देखो इसमें प्लस देकर वन बीट्स है, तो प्लस वन कितना हो गया? फिफ्टी टेंस एंड वन, तो कितना हो गया? फिफ्टी प्लस वन इक्वल टू फिफ्टी वन। नेक्स्ट नंबर भी ऐसा ही करना है। देखो इसमें कितना टेंस है? वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें भी फाइव टेंस है। मतलब आज हम लोग फिफ्टी का चैप्टर सीख रहे हैं, मतलब फिफ्टी नंबर चैप्टर सीख रहे हैं, ठीक है? तो फिफ्टी बीट्स है तो कितना टेंस हो जाएगा? फाइव टेंस। तो इसीलिए लिखा है फाइव टेंस। और कितना वन्स है? देखो प्लस देखकर दो छुट्टा पड़ा है, मतलब टू वन्स, तो इसीलिए लिखा है टू वन्स। तो क्या हो गया? फाइव टेंस एंड टू वन्स, तो इक्वल टू फिफ्टी प्लस टू इक्वल टू फिफ्टी टू। फिफ्टी कैसा आया? मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? टेन लेकर एक टेंस बनता है, तो इसमें फिफ्टी बीट्स है, तो फिफ्टी मतलब फाइव टेंस। प्लस टू छुट्टा पड़ा है, मतलब वो वन्स है। फिफ्टी प्लस टू कितना होता है? फिफ्टी टू। सेम टू सेम देखो फिफ्टी थ्री, इसमें आएगा फिफ्टी थ्री, क्योंकि फिफ्टी टेंस है, फाइव टेंस है और थ्री वन्स है। देखो थ्री वन्स तो कितना हो गया? फाइव टेंस मतलब फिफ्टी, फिफ्टी प्लस थ्री इक्वल टू फिफ्टी थ्री। नेक्स्ट नंबर फाइव टेंस फोर वन्स इक्वल टू फिफ्टी प्लस फोर इक्वल टू फिफ्टी फोर। नेक्स्ट फाइव टेंस फाइव वन्स मतलब क्या होगा? हो गया फिफ्टी प्लस फाइव इक्वल टू फिफ्टी फाइव। नेक्स्ट नंबर फाइव टेंस सिक्स वन्स फिफ्टी प्लस सिक्स फिफ्टी सिक्स। फाइव टेंस सेवन वन्स फिफ्टी प्लस सेवन इक्वल टू फिफ्टी सेवन। फाइव टेंस एट वन्स फिफ्टी प्लस एट इक्वल टू फिफ्टी एट। नेक्स्ट नंबर फाइव टेंस नाइन वन्स फाइव प्लस नाइन इक्वल टू फिफ्टी नाइन। फाइव टेन टेन वन्स तो फिफ्टी प्लस टेन कितना हो जाता है? फिफ्टी प्लस टेन हो जाता है सिक्सटी। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा रखती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज में देखो, नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है? नंबर वन ट्रेस एंड राइट द नंबर फ्रॉम 51 टू 60। मतलब ये जो नंबर दिया गया है इसमें आपको ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है? आपके बुक्स में
आप ट्रेस कर लोगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे देखो मैंने कैसे करके लिख कर दिया, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। आपके पास जो ये बुक्स मैंने तो आपको भर दिया है, आपके पास जो बुक्स हैं उसमें भरा हुआ नहीं रहेगा। अब हर बॉक्स में ऐसा करके गुड हैंडराइटिंग से लिखोगे, ठीक है, बुक के जैसा लिखने का कोशिश करना। पहले आप ट्रेस करोगे फिर उसके बाद बॉक्स भरोगे, ओके। अभी नेक्स्ट, इसमें भी देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है, रीड अलाउड एंड राइट, मतलब आप जोर जोर से पढ़ो और लिखो। कैसे करोगे आप ये देख कर लिखना है, 50+1=52, 50+2=52, 50+3=53, 50+4=54, 50+5=55। ऐसा करके आप पूरा भरोगे आप उसके बुक्स में और जोर जोर से पढ़ोगे, उसके साथ साथ आप लिखोगे, मतलब बोल बोल के लिखोगे, ओके। अभी नेक्स्ट देखो, ये वाला बॉक्स तो आपको समझ में आ ही जाएगा, इसमें लिखा है 50+6=56, 50+7=57, 50+8=58, 50+9=59, and 50+10 हो जाता है 60, 50+10=60। अभी नेक्स्ट देखो, जैसे हम लोगों ने टेंस सीखा है, इसमें टेंस करने के लिए बोला है, जैसे देखो आपको पढ़ना है और उसके बाजू में जो बॉक्स खाली जगह है उसमें आपको लिखना है गुड हैंडराइटिंग से। इसमें क्या लिखा है, 5 10s and 2 1s = 52। तो मैंने क्या लिखा, 5 10s and 2 1s = 52। नेक्स्ट नंबर भी ऐसा ही है, 5 10s 3 1s, तो आप भी लिखोगे 5 10s and 3 1s = 53। अब उसमें इक्वल टू भी दे सकते हो, मेरे जैसा डैश भी दे सकते हो, ऐसा बिंदु बिंदु जैसा बिंदी बिंदी जैसा है आप ये भी दे सकते हो, ओके। तो ऐसा करके मैंने जैसे आपको समझा दिया, इतना तक आप ये वाला बॉक्स कंप्लीट करोगे। सिर्फ आपको देखना है बुक्स में क्या लिखा है, वो मुँह से बोलना है और लिखना है, ओके। अभी नेक्स्ट पेज में देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें नंबर दिया हुआ है, प्लस करके जितना नंबर आएगा वो नंबर के सब आपको मैच करना है। जैसे देखो 50+7 कितना होता है, 57, 50+1 = 51, 50+5 = 55, 50+9 = 59। ऐसा करके मैंने कंप्लीट किया, नेक्स्ट बॉक्स भी फिर मैंने ऐसा करके कंप्लीट किया, ठीक है। तो आप भी ऐसा करके कंप्लीट करोगे, पहले आपको प्लस करना है फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसके साथ मैच कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द मिसिंग नंबर। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स मिसिंग नंबर दिया गया है, वो नंबर आपको सोच कर लिखना पड़ेगा। जिसमें इसमें 51 दिया गया है, फिर ये दो नंबर गायब कर दिया गया है, ये दो नंबर नहीं था मैंने लिख कर दिया, 51 के बाद 52, 53, फिर 54, फिर ये वाला नंबर मिसिंग था, 55, 56, 57, 58 मिसिंग था, तो ये वाला नंबर मैंने लिख कर दिया। तो आप भी आपके बुक्स में लिखोगे, ठीक है, 59 दिया हुआ था फिर 60 गायब था, फिर 60 मैंने लिखा, ठीक है, 15 क्योंकि 59 के बाद 60 आता है, ओके। अभी नेक्स्ट नंबर देखो, इसमें 52 था, 56 था और 60 था। तो 52 आगे वाला बॉक्स खाली था, ये तो 52 के पहले क्या आता है, बिफोर 51 आता है, इसलिए मैंने 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट वाला नंबर भी ऐसा करके आपको कंप्लीट करना है, ओके, आप देख लो, ठीक है। नेक्स्ट वाला बॉक्स भी, इसमें भी मिसिंग नंबर है, ये आप करोगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट नंबर देखो क्या लिखा है,
पुट सर्किल अराउंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये बॉक्स में तीन तीन नंबर दिया गया है, तो इसमें से जो सबसे बड़ा है उसको क्या करना है, सर्किल करना है। तो देखो इसमें कौन सा नंबर है, 52, 58, 52 और 55। इन तीनों में से बड़ा कौन है, 58 है, तो इसीलिए मैंने इसको सर्किल किया। तीन नंबर है, इसमें से आपको एक ही नंबर को सर्किल करना है, ठीक है। अब कोई कोई स्टूडेंट क्या करता है, दो नंबर एक साथ कर देते हैं, लेकिन वो गलत आंसर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता रही हूँ आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। इसमें तीन नंबर दिया गया है, तीनों में से जो छोटा है, बड़ा है, ग्रेटेस्ट है, वही नंबर को आपको सर्किल करना है। जैसा नेक्स्ट वाला बॉक्स देखो, इसमें 51, 54 और 53 दिया गया है, तो इसमें से तीनों में से बड़ा कौन है, 54, तो इसीलिए मैंने इसको सर्किल किया, बाकी छोड़ दिया, बाकी दो नंबर को छोड़ दिया। नेक्स्ट वाला बॉक्स भी ऐसा ही है, हाँ, 59, 60 और 56 है, इसमें से बड़ा कौन है, 60, तो इसको सर्किल करना है, बाकी दो नंबर छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट वाला बॉक्स, इसमें है 57, 51 और 54, इनमें से बड़ा कौन है, 57, तो बाकी इस 57 को सर्कल करना है, बाकी दो नंबर को छोड़ देना है। तीनों में से जो बड़ा होगा उसको सर्कल करना है, बाकी दो नंबर को नहीं करना है। क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट नंबर, सिक्स नंबर में क्या लिखा है, पुट ट्रायंगल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें भी बॉक्स दिया गया है, बॉक्स में से तीन तीन नंबर लिखा गया है। जैसा पहला वाला बॉक्स 53, मैंने आपको दिखा देती हूँ, 53, 56 और 60। स्मॉलेस्ट नंबर बोला है मतलब सबसे छोटा नंबर को आपको क्या करना है, ट्रायंगल करना है, बाकी दो नंबर छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तीनों में से जो सबसे छोटा है उसको ट्रायंगल करना है। तो 53, 56 और 60 में से सबसे छोटा कौन है, 53 है, तो इसीलिए मैंने उसको ट्रायंगल किया, वो वाला नंबर को मैंने ट्रायंगल किया। दूसरा बॉक्स देखो, एक बॉक्स के अंदर तीन नंबर दिया गया है, 51, 52 और 53। तीनों नंबर में से 51 सबसे छोटा है, इसीलिए 51 को आप ट्रायंगल करोगे। फिर नेक्स्ट वाला बॉक्स में मैंने ऐसे ही किया, छोटा नंबर को मैंने ट्रायंगल किया। फिर लास्ट बॉक्स भी मैंने ऐसे ही किया, ठीक है। 52 को मैंने ट्रायंगल किया, क्योंकि 52 तीनों नंबर में से छोटा है, 52, 54 और 56 में से 52 सबसे छोटा है। अभी क्वेश्चन नंबर 7, राइट द जस्ट सक्सेडिंग नंबर, मतलब आफ्टर 54 के बाद कौन सा नंबर आता है, सक्सेडिंग नंबर। तो 54 के बाद आएगा 55, फिर 59 के बाद आएगा कौन सा नंबर, 60, फिर 56 के बाद 57, 51 के बाद 52, फिर लास्ट बॉक्स 58 के बाद 59। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझाया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8, राइट द जस्ट स्पेसिफिक नंबर, मतलब जिसको हम लोग बिफोर बोलते हैं। तो 53 का पहले कौन सा नंबर आता है, 52, ठीक है। 54 का बिफोर नंबर क्या होगा, 54, देखो मैंने लिख कर दिया, ठीक है। 58 इसका प्रेसिडिंग नंबर क्या होगा, 57, फिर 57 का प्रेसिडिंग नंबर होगा 56, 52 का प्रेसिडिंग नंबर होगा 51, ओके। अभी नेक्स्ट नंबर, राइट द मिडल नंबर, तो आपको मिडल नंबर लिखना पड़ेगा। मिडल नंबर आप देखोगे आपका बुक्स में मिडल नंबर नहीं दिया गया है, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने लिख कर दिया, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने पहले भी सीखा है ऐसा ही करना है, मिडल नंबर गायब कर दिया है, मिडल नंबर को आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक बता देती हूँ, जैसे फिर 55 के बाद बॉक्स खाली था, उसमें आएगा 56, फिर 57, फिर 52,
52 के बाद 53 लिखा मैंने, फिर 54, ऐसे करके मैंने ये वाला बॉक्स पूरा कर दिया। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा रखती हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैथ्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट पेज सीखेंगे। ओके, आप घर पे रहो, खूब पढ़ाई करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? आपका बुक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? थैंक यू।